नमस्कार बच्चों, पुनः आपका एक बार मेरे वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा परिचय। यानी आज हम हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे कि वे क्या है। नहीं, यहाँ इस संदर्भ में हम लिपि की बात करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ देखेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ। मानव समाज की परिकल्पना के साथ ही भाषा की आवश्यकता महसूस की गई, खास तौर से जब मानव सभ्यता का अभ्युदय हुआ। मानव ने पहले बोलना सीखा। सामान्य तौर पर आपने अपने घर परिवार में देखा है कि जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद वह बोलना शुरू करता है, 1 साल के बाद बोलना शुरू करता है, 1.5 साल के बाद बोलना शुरू करता है, और धीरे धीरे जब 4-5 साल का होता है, 3 साल का होता है, तब उसे हम लिखने की आदत डालते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों की इस कड़ी में सबसे पहले गौर करने वाली बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चा जो बोलना सीखा या हमने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया, हमने जो बोलना सिखाया उसमें शब्दों का आदान प्रदान होता है, ध्वनियों का आदान प्रदान होता है, वर्णों का आदान प्रदान होता है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में बच्चा महज बोलना सीखता है। उसे ये पता नहीं, जैसे उसने पापा बोलना सीखा लेकिन पापा कैसे लिखा जाएगा उसे जानकारी नहीं होती। मां जो पापा बोलना सीख लेता है हमारे संपर्क में रख करके, क्योंकि समाज का एक आवश्यक अंग है कि इंसान जिस समाज में रहे उसमें तो बोलना सीखेगा। जितने जीवित प्राणी हैं वे अपनी अपनी भाषा में कुछ न कुछ कहते ही। यहाँ बच्चों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भाषा क्या है। जाहिर सी बात है कि भाषा वह एक माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे तक संप्रेषित करता है। भाषा के द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दूसरे की भावनाओं को महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और इस तरह भावनाओं का आदान प्रदान का सिलसिला चलता रहता है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी सभ्य समाज में लागू हुआ करती है। यहाँ खास तौर से हम लोग अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु मानव समाज को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जानवरों की भी अपनी भाषा होती है लेकिन वहां उसकी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है मानव समाज और उसमें भाषाई जो उसके माध्यम है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाषा क्या है। भाषा के संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा कि भाषा के द्वारा हम अपने हृदय के विचारों के को अब एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे की भावनाओं को जानते हैं। इसलिए इस संदर्भ में आपकी सुविधा के लिए मैंने एक छोटी सी परिभाषा बना रखी है कि भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं। दरअसल बोलने के क्रम में आदमी कुछ भी बोल रहा होता है, वे निरर्थक भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बच्चों हम सिर्फ सार्थक शब्दों की बात करेंगे, सार्थक ध्वनियों की बात करेंगे, जिनके सुनने के बाद हमने कुछ समझा, जिसका कोई प्रयोजन हो, जिसका कोई संकेत हो और वह समझ में आए। इसलिए यहाँ हमने सार्थक शब्द का प्रयोग किया है। जाहिर सी बात है कि बोलने के क्रम में जैसे कि नाश्ता वास्ता हम कहते हैं, तो नाश्ता है लेकिन वास्ता क्या है। दरअसल बोलचाल के क्रम में लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग खुलकर करते हैं जो वाक्य रचना के हिसाब से, शब्द के हिसाब से सार्थक नहीं है।
निरर्थक है, फिर भी बोलचाल में इसका प्रयोग धड़ल्ले से होता है, लोग कर लिया करते हैं। बहरहाल यहाँ हमारा उद्देश्य है ये बताना कि भाषा क्या है। बच्चों बखूबी आप निश्चिंत हो जाएं कि भाषा मानव के मुख से निकली वैसी ध्वनियां हैं जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाती है और दूसरों की बातों तक स्वयं तक लाती है। यानी भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, भावों के आदान प्रदान का माध्यम है, लेकिन इसमें सार्थकता होनी चाहिए। यदि निरर्थक ध्वनियां हैं तो फिर उनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए बार बार हमारा ध्यान सार्थक ध्वनियों की तरफ है, जिनका कोई सांकेतिक अर्थ लिया जाए तभी हमारे काम के लिए ज्यादा उपयुक्त होगी। तो बच्चों ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है, जो भावनाओं के आदान प्रदान का माध्यम बनती है, वही भाषा है। बड़ा ही सहज है भाषा को जानना, क्योंकि विश्व में भाषाएं तो बहुत हैं। यहाँ खास तौर से हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। हिंदी से संबंधित जानकारी हम लेंगे कि आखिर हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है, नहीं भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तमाम इन छोटी छोटी बातों पर हमारी चर्चा होगी। और ये मूल बातें हैं, मौलिक बातें हैं, मौलिक तथ्य हैं जिन्हें जानना जरूरी है एक हिंदी के पाठक होने के नाते। आप जिस किसी की भाषा को समझें उसके उस भाषा के इतिहास को जानें, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसका स्वरूप क्या है, किस लिपि से संबंध रखती है, तमाम ये बातें चर्चा की केंद्र बिंदु हुआ करती हैं। और यहाँ हम हिंदी भाषा के संदर्भ में तमाम इन विषयों की चर्चा क्रम से करेंगे। तो बच्चों हम जान गए कि भाषा क्या है। भाषा भास धातु से बना है, भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे ही भाषा कहा जाता है। बहुत साधारण से अर्थों में समझने की आवश्यकता है कि आखिर भाषा क्या है। हम जो बोलते हैं वही भाषा है, हम जो भाव व्यक्त करते हैं वही भाषा है। इसे संक्षिप्त रूप में समझने की आवश्यकता है बच्चों, तब आप सहजतापूर्वक समझ लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद भाषा के रूप। तो बच्चों भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। यानी इंसान जब इंसान का जब समाज में पदार्पण हुआ तो उसने पहले बोलना सीखा। जाहिर सी बात है बोलने के लिए उसने ध्वनियों का प्रयोग किया। इसलिए जब भी हम भाषा के रूप की बात करते हैं सबसे जो पहला रूप है उसे हम मौखिक कहते हैं। बच्चों मौखिक को बोली भी कहा जाता है, उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। यानी सबसे हम पहले हमने बोलना सीखा, हमने उच्चारण किया। इसलिए चूंकि हमने बोलना सीखा इसलिए उसे हम बोली भी कहते हैं, उच्चरित भाषा भी कहते हैं। क्योंकि ऐसी भाषा का जो मौखिक भाषा है उसका रूप अस्थायी नहीं होता, उसका रूप परिवर्तित होता रहता है, उसकी कोई लिपि नहीं होती। महज बोलने के तौर तरीके हम जिस रूप में जिस तरह के शब्दों का उच्चारण कर लें हमारी अपनी स्वतंत्रता होती है। लेकिन जो दूसरा रूप है वह लिखित है, लिखित रूप स्थायी होता है और इसके लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमने जो बोला उसे स्थायित्व प्रदान किया जाए इसके लिए लिपि चाहिए। तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि भाषा के जो दो रूप हैं वह है मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को ही हम बोली कहते हैं, उसे उच्चरित भाषा कहते हैं जो स्वतंत्र होता है। और जो दूसरा लिखित रूप है उसके लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भाषा का जो लिखित रूप होता है वो स्थायी होता है। हम अपनी भावनाओं को लिखकर उसे आने वाली पीढ़ी के लिए संजो कर रख सकते हैं। लिखित रूप के कारण ही आज प्राचीन पुस्तकों से, वैदिक पुस्तकों से हम ज्ञान अर्जन करते हैं। यदि
भाषा का लिखित रूप नहीं होता है तो अतीत की जानकारी हमें नहीं मिलती। जितने धर्म पुराण है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये हमारी अतीत की जानकारी देते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाषा के लिखित रूप के कारण। अब उसके आगे की चर्चा का विषय है बच्चों, भाषा और लिपि। जैसा कि मैंने यहां पर आपकी सहूलियत के लिए लिखा है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यानी जो हम बोल रहे हैं तो हमने जो बोला उसे एक सांकेतिक रूप दिया और वही जो सांकेतिक रूप है वह लिपि है। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों कि बोली का जो सांकेतिक रूप है वह लिपि है, ध्वनि का जो सांकेतिक रूप है वह लिपि है। जैसे ही सांकेतिक रूप की बात आती है बच्चों, उसे हम लिखते हैं, एक आकार देते हैं और वह आकार सर्वमान्य होता है और वही लिपि कहलाती है। ध्वनियों का सांकेतिक रूप ही लिपि कहलाता है। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है। यदि कोई भी आपसे पूछता है लिपि क्या है, बखूबी आप बता सकते हैं कि ध्वनियों का जो लिखित रूप है, जो सांकेतिक रूप है, वही लिपि है। जाहिर सी बात है कि ध्वनियां जो सांकेतिक रूप में लिपि कहलाती है वही वर्ण कहलाती है। इनका आपस में रिश्ता है। इसे समझने की आवश्यकता है कि ध्वनि लिपि वर्ण इस तरह से इनका विकास होता है। इसे समझे बच्चों, यानी सबसे पहले हमने बोलना सीखा, इसके बाद उसे हमने सांकेतिक रूप दिया जिसे हमने लिपि कहा, और यही लिपि वर्ण कहलाती है। इनका आपस में रिश्ता है। अक्सर बच्चे इन स्थितियों में उलझ जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, नहीं तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अक्षर क्या है, क्या कहें, क्या जवाब दें इसका। बच्चों यही अक्षर है, यही वर्ण है, लिपि को ही अक्षर कहते हैं, लिपि को ही वर्ण कहते हैं, और जो ध्वनियां हैं उनका सांकेतिक रूप लिपि कहलाता है। क्योंकि हमने पहले बोलना सीखा और हमने जो बोला उसे अस्थायित्व प्रदान करने के लिए सांकेतिक आकार दिया ताकि हमारी भावना सुरक्षित रहे। तो बच्चों बिल्कुल स्पष्ट है कि ध्वनि क्या है, लिपि क्या है, वर्ण क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है। हम ये भी जान गए कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, कोई परेशानी नहीं है। जो मूल रूप होता है मौखिक होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने बोलना सीखा। मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया उसने पहले बोलना सीखा, इसलिए बोली को, मौखिक को हम मूल रूप मानते हैं। जो मौखिक है वो भाषा का मूल रूप है, इसे उच्चरित भाषा भी कहते हैं। यानी सबसे पहले हमने उच्चारण करना सीखा। ये जो ब्रह्मी लिपि है ये बहुत ही पुरानी लिपि है, इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्रह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और देवनागरी लिपि से ही संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और सिंधी भाषा निकली है। बच्चों बखूबी इसे याद रखने की आवश्यकता है, स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, कि देवनागरी लिपि में 5 भाषाएं आती है, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी और सिंधी। अक्सर बच्चों से जब पूछा जाता है देवनागरी लिपि में आने वाली भाषाओं के नाम बताओ तो हिंदी संस्कृत बोलकर वे चुप हो जाते हैं। हमें और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, ताकि खास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में हम चुके नहीं बल्कि अच्छे अंक ला सकें। लेकिन इसके लिए इन छोटी छोटी बातों पर हमारी नजर होनी ही चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मी लिपि से
देवनागरी लिपि का विकास हुआ और देवनागरी लिपि में आने वाली भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और सिंधी। ठीक उसी तरह गुरुमुखी लिपि में आती है पंजाबी, फारसी लिपि में आती है उर्दू, अरबी, फारसी, रोमन लिपि में आती है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, स्पेनिश। यहां पर हमने कुछ लिपियों का नाम लिया और उनमें आने वाली भाषाओं का जिक्र किया ताकि आपको ये बातें स्पष्ट हो जाए कि आखिर भाषा और लिपि का आपस में क्या संबंध है, किस लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है। और इसी ब्राह्मी लिपि से बंगला भी आई है, गुजराती, मराठी ये सब भी आए हैं। यहां पर गौर करने वाली बात है बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ लिपियों को जाना, उनमें आने वाली भाषाओं को जाना ताकि हमें कठिनाई ना हो, बखूबी हम इस पर नजर बनाए रखें। अब भाषा परिवार की बात आती है। अभी तक हमने देखा भाषा क्या है, भाषा के रूप कौन से हैं, भाषा और लिपि का संबंध क्या है और किस लिपि में कौन सी भाषाएं आती है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि था, पुरानी लिपि है, उसके बाद देवनागरी लिपि का विकास हुआ और उसमें आने वाली भाषाओं का हमने नाम देखा। इसके बाद हम भाषा परिवार की बात करते हैं। बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि विश्व में 3000 के आसपास भाषाएं हैं, 3000, और उस 3000 में हमारी जो हिंदी है वो दूसरे नंबर पर है, यानी विश्व में हिंदी का स्थान दूसरा है, जो पहला स्थान है वो चीनी भाषा का है और तीसरे स्थान पर अंग्रेजी के बच्चों। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब विश्व में हिंदी प्रथम स्थान हासिल करेगी, और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दिन पर दिन हिंदी का प्रचार प्रसार तेजी में होता जा रहा है। बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताऊं कि विश्व के करीब करीब 200 यूनिवर्सिटीज में, 200 यूनिवर्सिटीज में हिंदी की पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित है, बल्कि भारत से बाहर, खासतौर से विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, कार्यालय क्षेत्र में हिंदी का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट के क्षेत्र में भी हिंदी की क्रांति लगी हुई है, फिल्मों से भी लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी फिल्में सिर्फ भारत में देखी जाती है, बल्कि भारत से बाहर भी हिंदी फिल्मों के देखने का सिलसिला है, देखने का प्रचलन है। तो इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार निरंतर हो रहा है, जिसे समझने की आवश्यकता है, जिसे जानने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा जानने में कोई हीनता नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही स्मार्ट होते हैं, महज ऐसी सोच एक संकीर्ण विचारधारा को जन्म देता है। इससे ऊपर निकलने की आवश्यकता है और जहां भी हो विश्व के आप किसी कोने में चले जाएं, हिंदी बोलने से आपका काम चल जाएगा। भारत में भी, खासतौर से दक्षिण भारत में आप जाएंगे, हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भले ही लोग ठीक ठाक हिंदी बोले नहीं, लेकिन काम चलने लायक हिंदी बोलते हैं, जिससे आपका काम चल जाएगा। चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, टेम्पू चलाने वाला हो, थोड़ा बहुत हिंदी सब जानते हैं और इस तरह हिंदी बोलने वालों का काम सुगमता पूर्वक निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि विश्व में 3000 के आसपास भाषाएं हैं, जिसे 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। गौर करने वाली बात है बच्चों कि विश्व की इन 3000 भाषाओं को महज 12 भाषा परिवारों में, 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जिस तरह इंसानों का अपना परिवार होता है, ठीक उसी तरह भाषाओं का भी अपना परिवार होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ उन तथ्यों को लाया है ताकि आप जानें कि आखिर वे कौन कौन से परिवार हैं जिनके अंतर्गत विश्व की तमाम भाषाएं आती हैं। तो बच्चों ये है भारूपीय परिवार, यानी भारत यूरोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बती बर्मी परिवार, सेमेटिक परिवार, हेमेटिक परिवार, आग्नेय परिवार, यूराल अल्टाइक परिवार, बांटू परिवार, अमेरिकी परिवार, काकेशस परिवार,
सुडानी परिवार और बुशमैन परिवार, ये तमाम 12 परिवार हैं। लेकिन हमारी जो हिंदी है वो आती है भारतीय परिवार के अंतर्गत। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। दक्षिण भारत की जो 4 भाषाएं हैं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है, और उत्तर भारत की जो अधिकांश भाषाएं हैं सब इसमें आती हैं। तो ये गौर करने वाली बात है कि हिंदी जिस परिवार से संबंध रखती है वो महज हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत और यूरोपीय संघ का जो परिवार है उसमें हिंदी शामिल है। जाहिर सी बात है कि हिंदी का जो विस्तार है असीमित है, इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। हिंदी को महज भारत के संदर्भ में ही नहीं देखा जाता। यदि ऐसा जो समझता है वो भूल करता है, इस भूल से बचने की आवश्यकता है और तमाम इन मूल बातों को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि किस तरह ध्वनि से लिपि बनता है, लिपि से वर्ण बनता है। यदि आपसे कोई पूछे कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, बखूबी आप जवाब देंगे। भाषा के कौन कौन से रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मूल रूप है जिसे बोली कहा जाता है, इसे उच्चरित भाषा भी कहा जाता है, और जो लिखित है वो स्थायी रूप है। तो तमाम इन छोटी छोटी बिंदुओं पर हमने चर्चा की इस हिंदी भाषा परिचय के अंतर्गत। मैं उम्मीद करता हूं कि बखूबी आपने इसे समझा होगा। यदि आपकी कोई परेशानी होगी उसका निराकरण किया जाएगा। निसंदेह आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद बच्चों।